लोकसभा चुनावों का सियासी घमासान चरम पर है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमला करने से चूक नहीं रही हैं। आज भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमले बोले और प्रदेश के सभी 25 सीटों पर भाजपा की जीत का दावा किया। लोकसभा चुनावों की सियासी तपस पर ये खास रिपोर्ट देखिए। चरम पर सियासी घमासान, सीएम का कांग्रेस पर सियासी तीर, सियासी रण में खो जाएगी कांग्रेस। प्रदेश में चुनावों के लिए सियासत की मंडी पूरी तरह से सज चुकी है और सभी पार्टियां सियासी बिसात बिछाने में लग गई हैं। इसी कड़ी में बीजेपी की जयपुर शहर प्रत्याशी मंजू शर्मा की नामांकन रैली से पहले चुनावी सभा हुई। सभा को मुख्यमंत्री भजनलाल सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने पूर्व मंत्री भंवरलाल शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि भंवरलाल शर्मा ने जयपुर सहित पूरे प्रदेश में पार्टी को मजबूती देने का काम किया। अब उनकी बेटी को जयपुर से प्रत्याशी बनाया गया है। उनके बनाए हुए कार्यकर्ता सम्मानी हमारे स्वर्गीय भंवरलाल जी शर्मा साहब और उनके सुपुत्री मंजू शर्मा जी को प्रत्याशी बनाया है। एक बार जोरदार तालियों से मंजू जी का स्वागत और अभिनंदन कर। चुनावी रण में कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर जबानी तीर चलाने से नहीं चूकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कांग्रेस पर जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के नेता झूठ बोलकर अफवाह फैलाते हैं, चुनाव के बाद कांग्रेस को लोग ढूंढते रह जाएंगे। मुझे पता है कि आपने कहां कहां किस किस काम की घोषणा की है और आज तक वो काम नहीं हुए हैं। हम जिस घोषणा को करते हैं उसको असली जामा पहनाते हैं और जनता के बीच में जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मुख्यमंत्री ने जनता से मंजू शर्मा को जिताने की अपील करते हुए कहा कि पिछले चुनाव 2019 में बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी और इस बार भी हर बूथ में पार्टी परचम लहराएगी। मंजू दीदी की जीत 8 लाख से ज्यादा वोटों से होगी। जनता कांग्रेस के किसी झांसे में नहीं आने वाली है। कांग्रेस की बुरी तरह से हार होगी। चुनावों के बाद कांग्रेस खो जाएगी। चुनावी उठापटक के बीच ये तो आने वाले चुनावी परिणाम ही बताएंगे कि सियासी पलड़े में कौन किस पर भारी पड़ा। जयपुर से विष्णु की रिपोर्ट।